नमस्कार दोस्तों, ए के बी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज एक बहुत छोटा सा चीज़ आपको रिपेयर करना सिखाएंगे। तो ये कपूरदानी है दोस्तों। कपूरदानी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट भी है और लाइट लगा हुआ है, अंदर से लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है यानी कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब हीट होता है दोस्तों, तो कपूर यहाँ से अपने आप स्मेलिंग करता है। तो अभी क्या हो रहा है कि हीट नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल कर, इसमें आखिर खराबी क्या है। तो इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको एक डायोड भी दिख रहा होगा, डायोड भी लगाया हुआ है हीटिंग एलिमेंट में, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट थोड़ा सा कम गर्म हो इसलिए यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल किया गया है। और अभी हम इसे खोलते हैं और खोल कर दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर में क्या क्या है। तो ये देखिए खुल गया है दोस्तों ये, और इसे फिर हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया गया है दोस्तों। तो इसे खोलते हैं, ये ही इसका जो मेन गर्म होने का चीज़ है दोस्तों, यही है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ये ख़राब हो चुका है इसलिए ये गर्म नहीं हो रहा। तो अभी हम इसे खोल कर दिखाते हैं दोस्तों आप। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसे इस तरह से ढकेल कर इधर से हम लोग निकाल लेंगे। तो एक वायर को हमें कट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वायर को कट कर देते हैं, और इसके बाद हम इसे हल्का हल्का प्रेस करके क्या करेंगे, इधर से निकाल लेंगे। दोस्तों इसका रेजिस्टेंस तो खुल गया, लेकिन इसमें देखिए कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कितने वाट का है, कितना किलो का है। तो कंपनी ने थोड़ा सा चालाकी किया, इससे जो नंबर होता है दोस्तों वो मिटा दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसे जांच करके, हम लोग मीटर से चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कितना किलो का है। तो क्या करना होगा अभी, यहाँ पर इस तरह से ये खोलना होगा। इसे इसके अंदर में जो होता है दोस्तों, यहाँ पर वायर लपटा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत पतला पतला बारीक वायर है। तो अभी हम लोग मीटर से इसे चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हमने खोल दिया है दोस्तों, देखिए दोनों तरफ से हमने इसे थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है। अब हम मीटर से चेक करेंगे। मीटर से चेक करने पे देखिए यहाँ पे लगभग 2 और 1.5 के लगभग बता रहा है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। तो हम लोग इसमें देखिए यहाँ पे 1.5 के बता रहा है और थोड़ा सा टूट भी गया है। तो हम लोग इसमें 2.5 के या 2.7 के का रेजिस्टेंस लगाएंगे 7 वाट में। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गया दोस्तों, 2.5 के का नहीं मिला, 2.7 के का मिला है। ठीक है, और ये 7 वाट में है, तो ये लगभग ठीक ही है। देखिए 7 वाट का, यानी कि इतना मोटा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसका मोटाई ज़्यादा है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हम लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें देखते हैं लगा के लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हम इसे लगाएंगे, तो ये तो लग रहा नहीं होगा, इसका जो ये वाला है दोस्तों, इसे हम निकाल देते हैं। ये अबरक का एक टुकड़ा है, और इसे लगा कर देखते हैं लगेगा कि नहीं। इसके वायर को हमें इस तरह से करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा फैलाकर देखते हैं फैलता है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया दोस्तों। तो रेजिस्टेंस क्या था दोस्तों, ये थोड़ा सा, ये पहले वाले से थोड़ा सा मोटा था दोस्तों। तो आपको इसे सावधानी पूर्वक थोड़ा सा होल को बड़ा करना होगा, किसी तरह से ये होल को आप फ्लास्क की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और इसको धीरे धीरे इसको इसके अंदर में डालना है दोस्तों। जिस तरह से हमने लगाया उसी तरह से आपको भी लगा लेना है, और इसे उसी वायर में हमें फिर से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। मैं अभी दिखाता हूँ। इसे लगाने से पहले दोस्तों हमें एक छोटा सा स्लीविंग पाइप चाहिए। ये देखिए इस तरह का पाइप जो है वो आपको जहाँ पे मोटर वाइंडिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको इस तरह का स्लीविंग पाइप मिल जाएगा। यहाँ पे लगा देना, ताकि हमारा जो वायर है दोस्तों शॉर्ट नहीं करे। तो यहाँ पे हम काट के इसको लगा देते हैं।
अब स्लीविंग पाइप इसमें हमने डाल दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वायर को अच्छी तरह से हम रगड़कर साफ़ कर लेंगे और फिर इसे हमें सोल्डिंग करना है दोस्तों उसी वायर में जिस वायर से हमने इसे खोला था। अब करेंगे इसकी सोल्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से हम अब हम क्या करेंगे इसके वायर को दोस्तों इस तरह से स्लीविंग वायर वायर को इसके अंदर डाल देंगे। ये जो है इस तरह से इसके अंदर में डाल देना है ताकि हमारा वायर कहीं टच ना हो। अब इस WLED को यहाँ पे लगाएंगे और सारे वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों। कोई भी वायर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सारे वायर को दोस्तों इस तरह से पकड़ कर यहाँ पे इस तरह का लॉक जो होता है दोस्तों इससे हमें यहाँ पे लॉक लगा देना है। तो अभी हम यहाँ पे लॉक लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये लॉक लग चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे और लाइट को हमें इतना ही नीचे रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है क्योंकि ये गर्म से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लाइट को देखिए इतना नीचे रखिए। ठीक है, अब इसे हम लगाते हैं दोस्तों इसमें। तो इसे लगाने से पहले इसे साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। तो यहाँ पे लग चुका है दोस्तों। ये दोनों वायर जो है दोस्तों ये LED के लिए है और ये दोनों एलिमेंट के लिए है, ये आपको याद रखना है। और दोनों वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें लगाना है दोस्तों। तो इसका कनेक्शन इस तरह से होगा दोस्तों, इसका जो हीटर एलिमेंट है दोस्तों वो हमारा जाएगा इस डायोड के बाद। ठीक है, डायोड को सीरीज में लेते हुए हीटर का कनेक्शन देंगे और LED WLED जो है दोस्तों उसको हम लोग डायरेक्ट AC से देंगे। तो इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। चलिए, हमारा कनेक्शन तो हो गया दोस्तों, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने से पहले हम इसे पहले लगा लेंगे दोस्तों, नहीं तो झटका लग सकता है। तो दोस्तों इसे हमने प्लग में लगा दिया है, अब हम जला कर देखते हैं। तो जलाने से देखिए लाइट तो जल गया, अब हमें यहाँ पे छू कर देखना है कि गर्म हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने इसमें कपूर डाल दिया, आप देख सकते हैं, और धुआं भी जो है दोस्तों इसका हल्का हल्का निकल रहा है। आपको पता चलेगा, इसके छूने से आपको पता चल जाएगा दोस्तों ये हीट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का धुआं देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए धुआं निकल रहा है दोस्तों इसका, अच्छी तरह से काम कर रहा है दोस्तों।